अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टोन। सो गाइस, यहाँ पे सुकाश जम्मू ने यहाँ पे सेकंड राउंड के काउंसलिंग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाली थी, जो आई थिंक इलेवंथ ऑफ जो इलेवन ट्वेल्थ और थर्टीन सेप्टेम्बर पर यहाँ पे होने वाली है, तो यहाँ पे उसके लिए सीट मेरिट्स आ चुका है। कौन से कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितनी सीट्स वैकेंट है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स वैकेंट है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे बीबीएससी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर बीटेक और बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी फार्मिंग के लिए यहाँ पे सारे सारी कोर्सेज के लिए हम देखेंगे कितनी सीट्स किस कैटेगरी में अवेलेबल है। तो बीबीएससी में देख सकते हो आप, यहाँ पे खाली एक ही सीट अवेलेबल है, वो भी सपोर्ट्स कैटेगरी से, एससी कैटेगरी, एसपी कैटेगरी से ओनली वन सीट अवेलेबल है बीबीएससी के लिए, ठीक है। उसके बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पे, ठीक है, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पे पीएसपी में 3 सीट्स अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 3 सीट्स अवेलेबल है, एसपी में 1 सीट अवेलेबल है, एनआरआई एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी के लिए 11 सीट्स अवेलेबल है फॉर एग्रीकल्चर, डब्ल्यूयूई कैटेगरी के लिए 3 सीट्स अवेलेबल है, और इन सर्विस गवर्नमेंट नॉमिनी के लिए 4 सीट्स अवेलेबल है फॉर बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। तो चलते हैं बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर में। यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल कास्ट के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल कास्ट के लिए यहाँ पे 1 सीट अवेलेबल है, आरबीए के लिए 1 सीट अवेलेबल है, पीएसपी के लिए 1 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स अवेलेबल है, एसपी के लिए 1 सीट अवेलेबल है, एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी के लिए 6 सीट्स अवेलेबल है, डब्ल्यूयूई के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है, और इन सर्विस गवर्नमेंट नॉमिनी के लिए 4 सीट्स अवेलेबल है, डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए सेल्फ फाइनेंस 5 सीट्स अवेलेबल है इसमें। तो ये रही पीएससी हॉर्टिकल्चर की बात। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कीजिए बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो ओपन मेरिट में 10 सीट्स अवेलेबल है, एसटी में, सॉरी एससी में 2 सीट्स अवेलेबल है, एसटी में 2 सीट्स अवेलेबल है, सोशल कास्ट में 1 सीट अवेलेबल है, एलसी आईबी में 1 सीट अवेलेबल है, आरबीए में 2 सीट्स अवेलेबल है, पीएसपी में 1 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स अवेलेबल है, डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए जो सेल्फ फाइनेंस सीट होती है उसमें 10 सीट्स अवेलेबल है, और एनआरआई एंड एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है। तो इतने कोर्सेज में यहाँ पे सीट्स अवेलेबल। और बीटेक का देखेंगे हम, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन मेरिट में 5 सीट्स अवेलेबल है, एससी में 1 सीट, यहाँ पे एसटी में 1 सीट, एस सोशल कास्ट में 1 सीट, एलसीआईबी में 1 सीट, आरबीए में 2 सीट्स अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट अवेलेबल है, सीपीएफएस में 1 सीट अवेलेबल है, डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि सेल्फ फाइनेंस में 5 सीट्स अवेलेबल है, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में खाली सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है, इसमें फ्री ओपन में नहीं होता, इसमें 45 सीट्स अवेलेबल है। अभी किसी स्टूडेंट ने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी नहीं लिया है तो इसमें 45 सीट्स अवेलेबल है टोटल बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कीजिए सीट मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।